सावन पुत्रता एकादशी हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन को विशेष रूप से संतान सुख प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यह एकादशी विशेष रूप से उन दाम्पत्य जोड़ों के लिए लाभकारी होती है जो संतान सुख की प्राप्ति के लिए तरस रहे होते हैं। इस दिन उपवास रखकर और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से संतान प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। इस साल 2024 में ये व्रत 16 अगस्त को रखा जाएगा। श्रद्धालु इस दिन व्रत और पूजा के माध्यम से भगवान से अपनी संतान सुख की इच्छा पूरी करने की प्रार्थना करते हैं। वासुदेवाय नमः। आप सभी लोगों को बताते हैं कि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से रूप में मनाया जाता है। पुत्रता एकादशी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा होती है और इसमें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो जो भी लोग पुत्रदा एकादशी को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और बहुत ही पुण्य होता है। एक बार महेश मती और महीजीत के पुत्र नहीं हो रहे थे तो ऋषि की आज्ञा से श्रावण शुक्ल एकादशी के दिन व्रत रखा था। इस व्रत के पुण्य प्रताप से उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस तब से यह प्रचलन चलता है कि पुत्रदा एकादशी के दिन जो भी लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं माता लक्ष्मी पूजा करते हैं और व्रत रहते हैं एकादशी का तो उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो पुत्रदा एकादशी है तो आप लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत करके और अपने मन की कामना सभी मनोकामना पूरी होती है पुत्रदा एकादशी में तो आप लोग उसका लाभ ले सकते। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे। उत्तराखंड ऋषिकेश से ईशा बिरोरिया की रिपोर्ट।